अब आपको ईरान में हो रहे हिजाब विरोध का अपडेट देते हैं। ईरान में 31 प्रांत हैं, जिनमें से 16 प्रांतों में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दुनिया के कई देशों में भी हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर हैं। देश हित में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की ये अपडेटेड रिपोर्ट देखिए। ईरान में हिजाब दहन जारी है। अशांति, अस्थिरता और बारूदी जंग के खतरे से घिरे रहने वाले मुल्क में महिलाओं की बगावत थम नहीं रही। ये बगावत है हिजाब के खिलाफ, ये बगावत है महिलाओं से भेदभाव के खिलाफ, और बगावत की यही चिंगारी अब आग बनकर दहक रही है। ईरान में लड़कियां कट्टरपंथी कानून का बहिष्कार कर रही हैं। ये वीडियो ईरान के सारी शहर का बताया जा रहा है, जहां लड़कियां एक एक कर हिजाब को आग के हवाले कर रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, जो तेहरान की अल जहरा विमेन यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। यहां आपको दो तरह की भीड़ दिखाई दे रही होगी। कुछ छात्राओं ने बुर्का पहना हुआ है और कुछ छात्राएं बिना बुर्के के हैं, लेकिन दोनों तरफ नारेबाजी है, हाथों में तख्तियां हैं और मुद्दा भी एक है, महसा आमिनी को इंसाफ और हिजाब से मुक्ति। ईरान में कई जगह पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। यहां भी हिजाब के विरोध में सड़कों पर भीड़ जमा है, गाड़ियों के हॉर्न बजाए जा रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। ईरान के अलग अलग शहरों में दिन रात हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ आवाज में आवाज मिलती जा रही है और विरोध बड़ा होता जा रहा है। ईरान के एक प्रांत से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन की ये चिंगारी अब 16 प्रांतों में पहुंच चुकी है। ईरान में आए दिन बाल न ढकने या हिजाब सही तरीके से न पहनने की वजह से पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार करती रहती है, और इसी बर्बरता की वजह से आज दुनिया के अलग अलग देशों में भी ईरान के कट्टरपंथी कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। टर्की के इस्तांबुल में ईरान कॉन्सुलेट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, हिजाब से आजादी के नारे लगाते हुए अपने बाल काट डाले। और सिर्फ हिजाब ही नहीं, बल्कि ईरान में महिलाओं को बराबर के हक दिलाने की बात कही। Bence İran'da da dünyanın her yerinde gibi erkekler ve kadınlar beraber olmak zorunda. Yani beraber olmalı. Ve bence bu idalet yani. Öyle bir şey dünyanın her yerinde yasak biliyorsunuz. Ve herkes nasıl isterse dışarıya çıkabilir ama İran'da öyle değil. Yani kadınlar her yere gitmek isterse hep saçlarını kapatmak zorunda. नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में भी हिजाब का विरोध हो रहा है। इसमें ज्यादातर ईरानी महिलाएं शामिल हुई हैं। लेकिन यहां सिर्फ हिजाब नहीं, बल्कि ईरान में महिलाओं की आजादी को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है। कुर्द महिलाओं के उग्र विरोध का नारा जेन जियान आजादी भी गूंज रहा है, और इसी प्रोटेस्ट में बड़ा संदेश देने वाली कुछ और तस्वीरें भी हैं। सफेद प्लकार्ड पर काले अक्षरों में लिखा है, इस्लामिक रिपब्लिक टेररिस्ट रेजिम, यानी इस्लामिक गणतंत्र आतंकवादी शासन। जमीन पर पड़े कागज के दो टुकड़ों पर लिखा है, फ्री ईरान। ये तख्तियां जिन पर बेशक चंद शब्द ही लिखे हैं, लेकिन ये ईरान के कट्टरपंथी कानून पर तमाचा है। ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों पर चुप्पी साध रखी है। कल ईरान के इस्लामिक नेता अली खामेनेई का संबोधन टीवी पर प्रसारित हुआ। हिजाब का विरोध शुरू होने के बाद से खामेनेई पहली बार जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अपने ही देश में हो रहे इतने बड़े विरोध पर वो कुछ नहीं बोले। ईरान में कट्टरपंथी सरकार की आवाज गुम है और महिलाओं के हक की आवाज बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।